नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। एपिसोड 46, 48 और एपिसोड 50 में हमने देखा कि भारत सरकार ने पर्शियन गल्फ के अरब देशों के लिए खास प्रकार की 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए की नोट बनाई थी। इनके अलावा सबसे बड़ी नोट 100 रुपए की थी, जो 1959 से 1970 तक वहां के देशों का चलन थी। आज हम पर्शियन गल्फ की 100 रुपए की इस नोट के बारे में बात करेंगे। यह खास पर्शियन गल्फ नोट खाड़ी के 11 देशों के लिए बनाई गई थी। यह सारी नोट 1970 तक वहां चलती रही थी। 1970 में भारत सरकार ने इन नोट का डीवैल्यूएशन किया। इसी वजह से इन देशों को एक नए चलन की जरूरत पड़ी। इस तरह से यह 11 देशों ने अपने अपने नए चलन शुरू किए और भारत के चलन को बंद किया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इन देशों में भारत का चलन कब बंद किया गया और उनका अपना चलन कब से शुरू हुआ। भारत की यह नोट जब 1970 में वहां बंद की गई, तब इन अरब देशों में पेट्रोल की खोज नहीं हुई थी। उस समय वहां पर भारत के 1 रुपया बराबर 1 रुपया एक्सचेंज रेट था। लेकिन इन देशों में पेट्रोल की खोज और उसके उत्पादन के बाद वहां की आर्थिक परिस्थिति काफी अच्छी हो गई। यह परिस्थिति इतनी अच्छी हो गई कि आज उनके 1 रुपये बराबर भारत के कम से कम 20 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 242 रुपए होते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन अरब देशों के चलन के बराबर भारत के कितने रुपए होते हैं। सौ रुपए की यह गल्फ नोट भारत की उस समय की दूसरी 100 रुपए की नोट जैसी ही बनाई गई थी, किंतु इस नोट में सिर्फ 2 बदलाव किए गए थे। इस नोट का रंग हरा किया गया था और इसके प्रीफिक्स में जेड अक्षर लिखा गया था। इस नोट की दूसरी तरफ बीच में 2 हाथी दिखाए गए हैं। बाईं तरफ भारत की 7 भाषाओं में 100 रुपए लिखा गया है और दाईं तरफ वाटरमार्क विंडो है। इस नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर HVR आयंगर के दस्तखत हैं और इसे 1959 में जारी किया गया था। इस नोट की टेक्निकल डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाँच रुपए और 10 रुपए की गल्फ नोट की तरह इस 100 रुपए की नोट का भुगतान भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बॉम्बे ऑफिस में ही किया जाता था। इसका अर्थ यह हुआ कि यह नोट भारत में कहीं भी चलन में स्वीकारी नहीं जाती थी, और अगर आपके पास यह नोट हो तो आपको इसके भारतीय रुपए सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बॉम्बे ऑफिस में ही मिल सकते थे। 100 रुपए की यह नोट सिर्फ जेड प्रीफिक्स में ही बनाई गई थी। यह नोट जेड प्रीफिक्स लेटर में 0 से 6 तक ही प्रीफिक्स में बनाई गई थी। एक प्रीफिक्स नंबर में 10 लाख नोट छपती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 7 प्रीफिक्स गुना 10 लाख नोट, यानी यह 100 रुपए की नोट सिर्फ 70 लाख ही छापी गई थी। अब तक हमने गल्फ की 1, 5, 10 और 100 रुपए की नोट के बारे में जाना। इन चारों नोटों में सबसे ज्यादा नोट 10 रुपए की छपी थी और सबसे कम नोट 100 रुपए की छपी थी।
यही कारण है कि 100 रुपए की यह पर्शियन गल्फ नोट काफी रेयर होती है और बहुत ही महंगी होती है। सिक्कों की तरह नोट की कीमत भी उनकी कंडीशन पर निर्भर करती है। गंदी और पुरानी नोट को फाइन कहते हैं और सुंदर, स्वच्छ और बिना मोड़ी हुई नोट को यूएनसी या अनसर्कुलेटेड कहते हैं। फाइन नोट बहुत ज्यादा मिलती हैं, इसलिए उनकी कीमत कम होती है। यूएनसी नोट बहुत कम मिलती हैं, इसलिए उनकी कीमत ज्यादा होती है। 100 रुपए की इन नोट की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 50,000 रुपयों से 5,00,000 रुपयों तक होती है। भारत की यह गल्फ नोट अरब देशों में कई सालों तक चलती रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भारत सरकार ने इन नोट को बंद कर दिया और इन अरब देशों को अपना नया चलन बनाना पड़ा? इसका जवाब है सोने की स्मगलिंग। 1960 के दशक तक सोने की स्मगलिंग करने वाले लोग भारत में सोना बेचते थे और उसके बदले भारत के रुपयों में पेमेंट लेते थे। भारत के उन रुपयों को वह लोग कुवैत, बहरीन और दुबई में डॉलर और पाउंड में बदल लेते थे। इसी डॉलर और पाउंड से वह लोग और सोना खरीदकर भारत बेचते थे और यह सिलसिला चलता रहता था। इस तरह से सोने की स्मगलिंग में स्मगलर्स ने भारत के रुपयों का इस्तेमाल करके वहां पर बहुत पैसा कमाया। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत का विदेशी मुद्रा कोष दिन ब दिन कम होता जाता था। इसी कारण से परेशान होकर भारत सरकार ने 1970 में भारत की इन नोट का चलन हमेशा के लिए बंद कर दिया और इसके साथ भारत के चलन का यह विदेशी अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी मजेदार नोट की कहानी लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। अगर आपके पास यह नोट हो तो नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताएं। नोट जमा करिए, आनंद के साथ पैसे भी कमाइए। क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम और आपकी कमेंट हमारे वीडियो में आए? आपको सिर्फ इतना करना है, कॉइन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके विचार लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कमेंट्स हमारे आने वाले एपिसोड्स में आए। हम आपकी सारी कमेंट्स पढ़ते हैं।